अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है, संडे कुक मास्टर तस्कीन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। चिल्ली प्रॉन बना है। चिल्ली प्रॉन बनाए, किसका फेवरेट है? मेरा। ये फरहान साहब का फेवरेट है जो चिल्ली प्रॉन है। तो माशाल्लाह, जो जिसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं चिंगुड़ी, खाई बाबू भारी उड़िया, ये जो बिस्मिल्ला वाला बरकरल्ला, अगर कहीं जरूरत हो तो इस वीडियो को आप फॉलो भी कर सकते हैं, उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो का जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आपको आपके मन में क्रिएट होगा ना चलो ये चीज बनाएंगे, तो आप जब सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलने से आप सबसे पहले देख के ये वीडियो को आप बना सकते हो और दूसरे तक शेयर करना ताकि दूसरे जिनको बनाना नहीं आता जब भी सीख रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से देख के सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं चिल्ली प्रॉन की रेसिपी, जिसको घर में बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, मतलब झटपट टेस्टी। अगर इस तरीके का रेसिपी फॉलो कर लीजिएगा तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका चिल्ली प्रॉन बहुत टेस्टी बनेगा और आपके फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। अगर चिल्ली प्रॉन की रेसिपी ढूँढ रहे हो, ये परफेक्ट रेसिपी है, तो इसको फॉलो कीजिए। चलिए हम बताते हैं किस तरीके से बनानी है। सबसे पहले प्रॉन को 3 से 4 बार धोकर इस तरीके से क्लीन करके एक बाउल में डाल दी हूँ। ये 600 ग्राम प्रॉन था, तो यहाँ पर हम विनेगर 1 टीस्पून डाले हैं और यहाँ पर चिल्ली पाउडर मतलब कश्मीरी चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून डाल रही हूँ और यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून डाली और यहाँ पर जीरा पाउडर 1 टीस्पून डाली और यहाँ पर नमक 1 टीस्पून डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून यहाँ पर बेसन, 1 टेबल स्पून यहाँ पर चावल का आटा और यहाँ पर 1 अंडा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही लाजवाब चिल्ली प्रॉन बनकर तैयार होगा घर पर। इसको मिक्स कर लेना है, बस तुरंत ही बनाना है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं वाइट वाला जो तिस्सी होता है ना, वो डाली हूँ 1 टीस्पून और चिल्ली फ्लेक्स 1 टीस्पून और फूड कलर यहाँ पर 1 पिंच डाली हूँ। अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं तो स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर तेल को गरम करके एक एक प्रॉन डाल देना और इसको तब तक चम्मच नहीं चलाना है जब तक कि एक साइड का लाल ना हो जाए। इसको अच्छे से लाल करने के बाद इसको इस तरीके से छान कर निकाल लीजिएगा एक प्लेट में। 1 बाय 1 करके सभी प्रॉन को इस तरीके से फ्राई करके निकाल लीजिएगा। ये हम साइड में रख देते हैं, ये जो तेल है इसको हम निकाल देंगे और बचा लेंगे 2-3 टेबल स्पून तक। इस पर कड़ी पत्ता डाल रही हूँ और यहाँ पर प्याज 2 कट कर के लिए हूँ, कैप्सिकम 1/2 ली हूँ, ग्रीन चिल्ली 2 ली हूँ। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बच्चे हैं छोटे तो इसलिए मैं 2 चिल्ली डाली हूँ और 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है क्या बच्चों के मुंह में नहीं आएगा, इसीलिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी। और प्रॉन जो फ्राई किए थे उसका जो मैरिनेट का मसाला बचा था तो उसको भी डाल दिए हैं हम यहाँ पर, 1 टेबल स्पून तक बचा था। तो उसको फ्राई कर लेने के बाद ये सभी प्रॉन को डाल दीजिएगा इस तरीके से। ये कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है, ये बहुत भी टेस्टी है। तो यहाँ पर नमक हम डाल दिए 1/2 टीस्पून ताकि फीका ना लगे प्याज और कैप्सिकम, और यहाँ पर हम टमाटो सॉस डाल दिए 1/2 कप के अंदाज़ से, सोया सॉस 1 टीस्पून डाल दिए और ग्रीन चिल्ली 1 टेबल स्पून तक डाल दिए हैं। इसको मिक्स कर लेना है और ढक कर 2 मिनट के लिए पका लेना है, मतलब सॉफ़्ट हो जाए ये
टमाटो केचप के साथ, मतलब सॉस के साथ, ये सॉफ्ट होने के लिए हम 2 मिनट तक ढककर पका लिए। और यहाँ पर धनिया पत्ता डाल दिए, मिक्स कर लिए। ये झटपट बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिली प्रॉन बनकर तैयार हो जाएगा घर पर। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, हमें उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, हमें कमेंट का इंतज़ार रहता है, आपको कैसा लगा, कि कैसे बनाए, या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सिंपल टेस्टी रेसिपीज हर दिन शेयर करती रहती हूँ। अगर हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को भी लाइक शेयर कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो। थैंक यू दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है, संडे कुक मास्टर तस्कीन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज संडे सुबह में क्या बना है, आइए देखते हैं। चिल्ली प्रॉन बना है। चिल्ली प्रॉन बना है, किसका फेवरेट है? मेरा। ये फरहान साहब का फेवरेट है जो चिल्ली प्रॉन है। तो माशाल्लाह, जो जिसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं चिंगुड़ी, खाई बार को भारी उड़िया, ये जो चूड़ी है इसका प्रॉन बना है, इसको प्रॉन बोलते हैं। और बाकी ये चिल्ली प्रॉन बना है, देख लेते हैं। अच्छा, बच्चों को ये काफी जी अच्छा जी आऊंगी, रुको। और बाकी देसी गाय का घी पड़ के पराठा बना है, आइए उसको देखते हैं कि ये चूड़ी होता है, इसको अगर ऐसे अगर तोड़ दिया जाए तो वह बिस्मिल्लाह वाला बरकरार। देखिए, दूसरों तक पहुंचाइए, खुद बनाइए, खुद खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। इससे सबसे अच्छा बात यही है कि स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ खाना जरूरी है। चाहे आप कुछ भी बनाइए, लेकिन घर में बना के खाइए, ताकि आप अपने हिसाब से कितना ऑयल देना है, कितना मसाला देना है, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं और बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से बना के खा सकते हैं। अगर कहीं जरूरत हो तो इस वीडियो को आप फॉलो भी कर सकते हैं, उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नए नए वीडियो का, जब हम वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आपको आपके मन में क्रिएट होगा ना, चलो ये चीज बनाएंगे। तो आप जब सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलने से आप सबसे पहले देख के ये वीडियो को आप बना सकते हो, और दूसरे तक शेयर करना, ताकि दूसरे जिनको बनाना नहीं आता, जब भी सीख रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से देख के सीख सकते हैं। माशाल्लाह।